नमस्कार न्यूज रूम डिबेट को स्वागत करुछि मुस्निग्धा। अर्थनैतिक व्यापार संपर्कित केन्द्र कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। पश्चिमबंगर नारायणगढ़ एवं भद्रक मध्ये हेबो तृतीय रेल लाइन। 155 किलोमीटर रेल लाइन पर खर्च हेबो 1866 कोटी 31 लाख टंका। 2023-24 सुधा सरीब काम। एथिरे सृष्टि हेबो 37,20,000 श्रम दिवस। एथिसह चीनीकल गाड़ी को जोगाजिब 2,790 कोटी टंकार अतिरिक्त पांठि। चापग्रस्त तापज विद्युत केन्द्र सहायता दिजिव पदक्षेप। एने मंत्री गोष्ठी सुपारिश को कैबिनेट अनुमोदन करिछे। केन्द्रीय शिक्षानुष्ठान शिक्षकों पर संरक्षण अध्यादेश को मंजूरी। दिल्ली में अनधिकृत कलोनी बासिंदा मिल जमी अधिकार। पद्धति निरूपण पर कमिटी गठन प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी देछि। बैठक पर सांबादिक सम्मेलन में सूचना देछन्ति केन्द्र अर्थमंत्री अरुण जेटली। रायनगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है उससे लेकर भद्रक तक 155 किलोमीटर का रेलवे लाइन है। ये थर्ड लाइन होगी जिसको कि 2031 करोड़ के अप्रूवल के साथ सैंक्शन कर दिया। जम्मू बस स्टैंड रे ग्रेनेड माड़ हुई छि। ग्रेनेड माड़ रे 18 रु अधिक लोक आहत होइछन्ति। घटनास्थल में पुलिस संधानी कुकुर सह तनाघना जारी रखी। आहतों स्थानीय डाक्तरखाना भर्ती करा। आक्रमण पछरे कहार हाथ रही से नहीं किसी जमापड़ ना। मिलता सूचना अनुसार यात्रीवाही बस को टार्गेट कर ग्रेनेड आक्रमण होता यह सफल हो ना बसस्टाण्रे माड़। मैंने यहाँ पे बाइक लगाई अपनी बस स्टैंड, उसके बाद मैंने कटिंग करवाने जाना था। कटिंग में जूस लिया और कटिंग करवाने जा रहा था। जैसे ही दुकान पे पहुंचा वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज आई और उस आवाज को सुनते ही मतलब कि ऐसा लगा कुछ यहाँ टायर फटा या कोई धमाका हुआ। उसके दो मिनट बाद पता लगा यहाँ पे ग्रेनेड फटा। मैं आया यहाँ पे देखा मैंने 10-12 लोग बुरी मतलब कि 3-4 लोग तो ज्यादा तरीके से जख्मी थे। टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। तकरीबन यहाँ से कोई 10 मिनट पहले की बात है। यहाँ पे काफी बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे एक, उसकी वजह से काफी सारे लोगों को इंजरीज हुए हैं। अभी सारे रेफर किए गए हैं वो बख्शीनगर। देयर हैज बीन अ ग्रेनेड एक्सप्लोजन ओवर हियर। इट सीम्स दैट द ग्रेनेड हैज बीन लॉब्ड फ्रॉम आउटसाइड। इट पॉसिबली हैड रोल्ड बीनीथ द बस एंड इट हैज कॉज्ड इंजरीज टू अप्रोक्सीमेटली 18 पर्संस। दे हैव ऑल बीन शिफ्टेड टू द जीएमसी एंड दे आर बीन टेकन केयर ऑफ। आसंता 12 तारीख में कांग्रेस में सामिल हो पारती हार्दिक पटेल और आसंता लोकसभा निर्वाचन में जामनगर आसन प्रार्थी होगा संभावना रही। कांग्रेस सूत्र जमापड़ जामनगर लोकसभा आसन वर्तमान बीजेपी पूनमबेन मैडम सांसद। अच्छा आसंता 12 तारीख में अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमिटी बसुची जो कांग्रेस सभापति राहुल गांधी दल नवनिजुक्त महासचिव प्रियंका गांधी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी प्रमुख जोगदेव। बैठक सह दलीय नेता एक बड़ रैली को संबोधित करिवार कार्यक्रम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज राज्य गुजरात उपरे कांग्रेस अधिक फोकस देपरिक विधानसभा निर्वाचन में भी दल कड़ा टक्कर देता। पटेल संप्रदाय को सरकारी चाकरी सह शिक्षा क्षेत्र में संरक्षण नहीं हार्दिक पटेल आंदोलन कर बे चर्चा थे। जम्मू कश्मीर हिंदवाड़ा सुरक्षाकर्मी गुड़े जड़े आतंकवादी निहत हो सेना पक्ष पेट्रोलींग चलता बेले आतंकी गुड़ माड़ कर पर सुरक्षाकर्मी एनकाउंटर कर स्थानीय अंचल सर्च ऑपरेशन जारी रही। दिनकू दिन सीमार बढ़िवे लगी उत्तेजना यहां नजर रखी पाकिस्तान एलओसी निकटे अधिक सेना और अस्त्रशस्त्र पठाइवा सूचना मिली। अफगानिस्तान सीमार सेना हटाई पाकिस्तान एलओसी निकटे अधिक सेना मुतयन कर बुधवार भारतीय सेना पक्ष पाकिस्तान को दी जा चेतावनी पर एलओसी अधिक सेना मुतयन कर पाकिस्तान। निज देशर मुखा खोलिले परवेज मुशारफ। भारत उपरे आक्रमण करने पाकिस्तान अनेक बार आतंकी संगठन जैसी महम्मद सहायता नहीं पूर्वतन राष्ट्रपति परवेज मुशारफ कार्यकाल समय जैसर सहायता निपरिक जैस हत्या कर उद्यम करवेज कहते पाकिस्तान अनेक गुईंदा विभाग भारत विरोधी कार्यकलाप जैसर सहायता नहीं
बुधवार पाकिस्तानी सांबादिकों सह आलोचना करने समय परवेज जैश उपर पाकिस्तान नहीं कार्यानुषान से स्वागत कर राफेल दुर्नीति नहीं पुणि थरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बर्षिंट कांग्रेस सभापति राहुल गांधी सांबादिक सम्मेलन में राहुल कहते दस्तावेज चोरी सूचाऊ आमर अभियोग सत डिल बारी हो प्रधानमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप रही दुर्नीति सीधासख पीएमओर हाथ राहुल अभियोग कर दोषी अधिकारी विरोध में प्रधानमंत्री कहीं तदंत कराउना राहुल राफेल प्रकृत दाम गायब हो डिल बाइपास सर्जरी हो गोवा मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर पाखरे फाइल तदंत हो राफेल ड्रिल प्रधानमंत्री जांच जेपीसी तदंत कहीं सरकार कराउना राहुल अभियोग कर मोदी सरकार ने केवल फाइल नुहे सब् गायब हो गतल राफेल दुर्नीति नहीं सुप्रीमकोर्ट में शुणा बेले आटर्णी जनरल कहते राफेल ड्रिल गुरुत्वपूर्ण कागजपत चोरी हो सीबीआई तदंत हेले देशर क्षति हेबो एथसहित केन्द्र आभिमुख्य कोर्ट कड़ा आपत्ति प्रकाश कर सेपटे राहुल अभियोग उपरे प्रतिक्रिया रखी बीजेपी राहुल मिछ कहुवा दल पक्ष एक नई लाइन निकली है गायब हो गया 2 करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया किसानों को सही दाम गायब हो गया 15 लाख रुपए का जो वायदा था पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया किसानों के बीमा का पैसा गायब हो गया नोटबंदी और जीएसटी में कारोबार गायब हो गया ढोकलाम गायब हो गया राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मरोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। ये गायब हो गए कागज, अगर ये कागज गायब हुए हैं तो ये कागज सच्चे हैं, ये झूठे तो नहीं है, आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो, सही बात है ना? तो आप ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये कागज सही है। कागज में साफ लिखा है नरेंद्र मोदी पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था, कागज में साफ लिखा है कि प्राइस बढ़ाई गई है, और किसी एक व्यक्ति ने नहीं, सब लोगों ने कहा है, निगोशिएशन टीम ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बाईपास सर्जरी की है। वो सच, सब सच्चाई आ जाएगी बाहर। देखिए वो जो रियलिटी है पैसा कहां गया है वो आस्ते आस्ते आ जाएगा, बट मेन बात है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में, आप ब्यूरोक्रेसी को समझते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में निगोशिएशन टीम के लोग जब लिखते हैं पीएमओ इज कैरिंग आउट पैरेलल निगोशिएशन, वो पैरेलल निगोशिएशन क्यों हो रहा है? ऐसे ही मतलब मजे के लिए हो रहा है? उसका कोई कारण होगा ना, नहीं तो आप उनको करने दीजिए अपना काम। जो निगोशिएशन टीम है अगर आप उनको काम करने देंगे वो काम करेंगे। कन्विंस ना कर सको तो कंफ्यूज करो, और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत काम कर रही है। इसलिए जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर कंफ्यूजन क्रिएट करो, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो कार्रवाई हो रही है उस पर कंफ्यूजन क्रिएट करो, देश की सुरक्षा और देश के सुरक्षा बलों के शौर्य और पराक्रम पर कंफ्यूजन क्रिएट करो। तो इसलिए इनको लगता है कि ये जो इनकी कंफ्यूजन क्रिएट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये काम करेगी, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। झूठ बोलना राहुल गांधी की फितरत हो गया है। राफेल
देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ऐसा वायुसेना मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाया, कोई कमर्शियल इम्प्रोप्राइटी नहीं पाया, सीएजी ने उसको ठीक ठाक पाया। राहुल गांधी कितना राग लापेंगे, किसकी बात सुनेंगे? वो एयरफोर्स की नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, वो सीएजी की नहीं मानते, तो क्या अब राहुल गांधी को पाकिस्तान से सर्टिफिकेट चाहिए? तो राहुल गांधी जी, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट आपको खुद लाना पड़ेगा, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में ही राहुल गांधी की चर्चा अधिक हो रही है और उनकी पार्टी के नेताओं की। ये बिल्कुल बेबुनियाद शर्मिंदगी भरा आरोप है। राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना